गुड मॉर्निंग एवरीवन। गत क्लास रे हम आयोनिक बॉन्ड कोन जानथिले तर स्पेशल कंडीशंस कोको कंडीशन रे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सेटा में जानथिले। तो आयोनिक बॉन्ड माने को बुझथिले द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ electron from one atom to another. Okay, tale ionic bond kon thila the bond which is formed by the complete transfer of valence electron from one atom to another atom. Ekka me aku bond bhi koi pariba electrovalent bond bhi koi pariba एग्जांपल रे हमें सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन कथा पढ़िथिले। सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन पूर्वरो हमें सोडियम को तर आयनिक स्टेट पुरोथिले, क्लोरीन को तर आयनिक स्टेट पुरोथिले, देन आयन फॉर्मेशन परे हम से कंपाउंड फॉर्मेशन करथिले। ओके, सोडियम रो एटॉमिक नंबर केथिला 11 थिला, माने मैजिक रूल से चले 281। क्लोरीन रो एटॉमिक नंबर केते 17, मैजिक रूल से चले 287। ओके, ताले सोडियम केते बले स्टेबल हो सेते बले आउटर मोस्ट रे तारो 8 इलेक्ट्रॉन रहिबो ऑक्टेट बुझबो। ठीक अछि, ताले एठी आउटर मोस्ट रे गुटी इलेक्ट्रॉन अछि त यार कोन दरकार आ सेते बले इलेक्ट्रॉन दरकार। ओके, कार तो सात टा आ इजी होबो तो गोटे दबाडा इजी होबो से का करिबो गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दबो। त जे इलेक्ट्रॉन लॉस करे त हम के को चार्ज असे पॉजिटिव चार्ज असे एठी केते इलेक्ट्रॉन लॉस कर छि गुटी इलेक्ट्रॉन त लॉस हो। ओके, क्लोरीन को देखिबा आउटर मोस्ट रे केते इलेक्ट्रॉन अछि 7 इलेक्ट्रॉन अछि। स्टेबल अप में यार केते इलेक्ट्रॉन दरकार कोटी इलेक्ट्रॉन दरकार बोले क्लोरीन को करछि इलेक्ट्रॉन गेन करछि जे गेन करे तब के कोन चार्ज रहइबो माइनस चार्ज केते रे गेन करला गोटे गेन करला तो माइनस 1 चार्ज। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन ए दीटा का आयन फॉर्मेशन करे हम को जानि छे जे दीटा अपोजिट चार्ज होबे ताके अट्रैक्शन में फाइनली से माने बॉन्ड फॉर्मेशन करो मींस कोन कंपाउंड फॉर्मेशन करो। तो केवल तीनटा कंडीशन को तो जान ले फर्स्ट कौन करे माने किछ एनर्जी कौन से प्रकार प्रोसेस रे सोडियम टा को तर आयनिक स्टेट दैट इज Na+ करिबा। ओके, नेक्स्ट क्लोरीन टा को कौन करिबा Cl- करिबा तो स्टेप स्टेप करिबा देन Na+ Cl-। दि जणा कर लैटिस एनर्जी रिलीज है कि गोटा हमें कंपाउंड फॉर्मेशन करिबा। These are three conditions. पहले condition कौन कौन है इसका? The first condition is low ionization energy. Condition one का low ionization energy. तो what is low ionization? व्हाट इज लो आयनाइजेशन एनर्जी हम सबसे आयनाइजेशन एनर्जी को जानो छी। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी को सिंपली हमें बुझथिले कि हम पाखरे गोटे एटम टे अछि। ओके, तर आउटर मोस्ट रे इलेक्ट्रॉन ना बाहर करे अबे हम को जते की फोर्स अप्लाई करे पड़ो जते स्थिति की एनर्जी दरकार पड़छि। ओके, एग्जांपल हम डस्टर कथा कहिथिले डस्टर रे जो ऊपर जो स्पॉन्ज टा लागि छि ताको बाहर करे अबे हम जते की एनर्जी अप्लाई करू जे से जाउ छि आयनाइजेशन एनर्जी। Clear? The amount of energy required to remove a valence electron from its isolated gaseous atom is known as ionization energy. What a gaseous isolated atom do? Outermost of the electron bahar kore ami jeti ki energy dakar pore to kon kore ami ionization energy. Tale eti ami kon kahile gote gaseous atom am pakhe achi ami kon koriba tare outermost ro gote electron de bahar koriba to bahar kole kon hobo se इलेक्ट्रॉन लॉस होछि तो प्लस चार्ज कंटेन करि केतरे लॉस होछि गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करत एने प्लस हेलो। हेंस आमे के लो आयनाइजेशन एनर्जी दबा काहेकिना लो आयनाइजेशन एनर्जी देले आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ता फेवरेबल हो। क्लियर? सेकंड कंडीशन थिला हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
जीवा तो जमी डस्टर रु स्पन्सटा बाहर करने किसी एनर्जी अप्लाई कले किसी रिक्वयर कले आम एनर्जी आयनाइजेसन एनर्जी कहले सिमिलरली इलेक्ट्रॉन आकृति कह बुझा आम पाखे गोटे स्टेबल आटम टे अच्छे आम तर आउटर मोस्ट गोटे इलेक्ट्रॉन में आड हो जाए जीत एनर्जी रिलीज हो जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज एक्सोथर्मिक था ओके मन रही समस्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज एक्सोथर्मिक माने सब बेले इलेक्ट्रॉन एनर्जी को दे रिलीज होते बट एटा मन रखिबो इन केस ऑफ नोबल गैस केस रे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ता एंडोथर्मिक ओके जितते और एलिमेंट अछि समस्त केस रे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक रे माने एनर्जी रिलीज होबो ओनली नोबल गैस केस रे एनर्जी को हम अब्सॉर्ब हो एंडोथर्मिक ओके तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पाए दिले तो क्लोरीन अछि क्लोरीन आ को माने चारो मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ कोले तले को परमिशन हो सीएल माइनस परमिशन दिने परमिशन होला थर्ड कंडीशन हम कोन पूछ दिबा थर्ड कंडीशन कोछि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड formation of anionic formation of ionic compound to ionic compound kemti formation hobo ethi ame lattice energy katha janba lattice energy to what is lattice energy hochi amount of energy released when one mole of substance is formed from its constituent ions okay example dekho ethi ame na plus pai cheche amore ko pai che cl minus pai che e di ta dekho jete bole bonding karibe setole ko karibe compound formation karibe ta saho kichi energy bi release heijibo okay this is lattice energy the lattice energy is the amount of energy which is released when one mole of compound is formed from its constituent or oppositely charged ion re tumle amar compound formation korchi jethi ki energy release hoy jaus tumle ko koiba lattice energy boli ho okay these are three conditions the first condition ko rahila low ionization energy low ionization energy provide koriba jothi ki amara ionic bond formation ta stable hobo सेकेंड कौन दबा ने हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दबा जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करे करंट सेल माइनस हो छी थर्ड कौन ला फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करबा सेठी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है थे तो हम कह पाइबा लैटिस एनर्जी बोली कह ओके दिस इज द कंडीशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड नेक्स्ट हम देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो छी तरो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन हो छी ओके आयनिक फॉर्म इन द सेंस जेमती फॉर्मेशन हेला से स्टेप को जाय त माने
Na plus Cl minus Na करते तो सॉल्यूशन कौन हो इलेक्ट्रॉन्स भी थे तो इलेक्ट्रॉन काम कौन इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेगा ओके नेक्स्ट पॉइंट हो जी देखो जिस हाई एमपी एंड बीपी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट The chemical process in which ionic crystal is called the energy released in either direct or indirect step itself amane puchha to Born-Haber cycle gote thermochemical cycle se kahila gote chemical reaction ko am se direct step re proceed kariba se jetti ka amro energy formation hoji jetti ka amro energy release hoji ki gain karuchi se the indirect step re kali bi ta sangre saman example am sodium ko chlorine sange reaction karuchi sodium solid state re achi chlorine gaseous state re achi formation jete bele sodium chloride hoji seta hoji solid state re asuchi बट आम आगे पढ़ीचे आयोनिक कंपाउंड जिते बड़े फॉर्मेशन नहीं था गोटे सब्सटेंस सॉलिड स्टेट था इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करे ना तेनालीराम कौन करते फर्स्ट गैसेस स्टेट को नौते आइसोलेटेड गैसेस आकार गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करके आम तर आयोनिक स्टेट को नौ क्लियर ठीक से क्लोरीन क्या जब चिंता करवा क्लोरीन टा तर मॉलिक्यूलर स्टेट रे प्रेजेंट अछि तो मॉलिक्यूलर स्टेट रे अछि माने से स्टेबल एक अछि त हमें एको इजीली का करबा ब्रेक करि परि माने एथि बे कोन होला प्रॉब्लम त पगला तो जदि हमें एथि किसी एनर्जी रिलीज होछ माने करा करबा डेलेचे किछोटा रिलीज होछि त जदि भी होल प्रोसेस टा बुझबा से एटा के हम बुझबा जदि सोडियम क्लोरीन दिटा बसि कि जति के हम एनर्जी रिलीज करछथि सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन रे हम जदि इनडायरेक्ट स्टेप करि करि जिबा सेटा रिएक्शन रे समान हो क्लियर एबे बॉर्न हैबर साइकिल टा बनेबा सो दैट इजी हम हम बुझबा पई Thank you.
still is F. The amount of energy released when 1 mole of compound is formed from its constituent elements in pure and free state. Okay, पहले डेले चेक करा heat of formation. Heat of formation. अलग definition कौन चुका? The amount of energy released when 1 mole of compound is formed from its constituent elements in pure and free state. The example देखिए तो sodium chloride formation. Sodium and chloride अपन ले ले. 1 mole का NaCl formation हो चुकी है. जब तक कि amount of energy release हो, तो हमें क्या होगा बाय heat of formation. Last time में example जे in pure and free state. Pure and free state माने sodium तो जो state रहती है ना, free state रह चुकी. Chlorine तो जो state रहती है ना, free state रह चुकी. Formation हमको NaCl कर चुकी. Heat of
dissociation. तो क्लोरीन टाको हम का करले तर एटॉमिक स्टेट करले एथी हीट ऑफ डिसोसिएशन अप्लाई करले हम का करले क्लोरीन को किछ एनर्जी देले जदर से हमको क्लोरीन एटम फॉर्मेशन करला तो जो टाइम एनर्जी प्रोवाइड करछ सेटा का हबो प्लस साइन डिनोट करबो. ओके नेक्स्ट एथी क्लोरीन गैस स्टेट को आसला रे एतर क्लोरीन को का करबो क्लोरीन माइनस करबो माने से ओके इलेक्ट्रॉन का करबो गेन करबो तो इलेक्ट्रॉन गेन करला हम कोइ थे एनर्जी रिलीज हे थे सही एनर्जी एनर्जी को का हो छे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जे तो कि एनर्जी बाहर जे हो छे ए को साइन दबा नेगेटिव साइन दबा हेंस ईएमटी कोन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ओके नेक्स्ट पार्ट रे सोडियम प्लस पाइले फ्लोरीन माइनस पाइले से का करबो सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन करबो हमें जस्ट कि पुरपुर लैटिस एनर्जी रे पढ़िले दीटा अपोजिटली चार्ज आयन जो वन मोर सब्सटेंस फॉर्मेशन करथांती सेठी किछ ओटे एनर्जी रिलीज हे जे जको हम कम हो छे लैटिस एनर्जी तो यू कोन दिस इज लैटिस एनर्जी. एबे बॉर्न हार्मोन साइकिल रो टोटल रूल ना होकेबा अब बॉर्न हार्मोन साइकिल को कोथला ओटे प्योर एंड फ्री स्टेट रे जति की एनर्जी रिलीज हो छे डायरेक्ट स्टेप रे इनडायरेक्ट जहां भी हो छे सब सम अप करले ता संगे समान हो तले फाइनल फार्मूला का होबो हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हमने माइनस से आए को ब्रैकेट में माइनस रख ली प्लस लैटिस एनर्जी इक्वल टू डेल एच ए दिस इज द फार्मूला. बुझेना हमें इनका स्टेप रे जहां भी सब एनर्जी देले कि एनर्जी रिलीज होला का से समान हो डायरेक्ट स्टेप रे जति की एनर्जी रिलीज हे छि ता से समान हो तले हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन. ओके बुझेला नोटा करा फटाफट एठी आमी गोटे कथा सबले मन रखिबा जेते बेले हम कुछ प्रॉब्लम करियो दे दिबो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आमी जदि प्लस देथिबो आमी जानि छी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कोन छै एनर्जी रिलीज हो छै एकरा माइनस साइन दबा ठीक अछि लैटिस एनर्जी कोन एनर्जी रिलीज हो छै त ता पर हम गोटे माइनस साइन दबा दिस इज द फार्मूला. एबे आमी क्वेश्चन करिबा देखो कैलकुलेट the lattice energy from the given data and also draw the Born-Haber cycle. Given heat of sublimation equal to 87.8 kJ per mole, heat of dissociation is equal to 158.8 kJ per mole. Ionization energy 414.2 kJ per mole. Electron affinity
अच्छी 34.7 किलोजूल पर मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस 560.5 किलोजूल पर मोल व्हाट इज यू वैल्यू ऑफ यू बाहर करा जीवो रिएक्शन का देची पोटेशियम प्लस फ्लोरीन गिव्स राइज टू पोटेशियम फ्लोराइड KF हमको ए डाटा देची ए डाटा को यूज करी की बॉन्ड हमारा साइकिल ला ड्रा करिवर आछि देन कैलकुलेशन करिवर आछि ओके अच्छा एबे देखिबा पूर्वर को कहै छी जो कि एनर्जी रिलीज होबो सेटा केन डिनोट करबा में माइनस साइन रे जो कि एनर्जी में दबा सेटा प्लस साइन रे डिनोट करबा अच्छा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्रथम माइनस से देछि तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कोन छी एनर्जी रिलीज हो छी देन चेक कर हीट ऑफ फॉर्मेशन ये भी एनर्जी रिलीज हो छी लैटिस एनर्जी कोन सेटा भी एनर्जी रिलीज हो छी लैटिस में जब को थे आसीबो माइनस से ही आसीबो एबे साइकिल ला ड्रा करियो गोटे सॉलिड को जो तुम्हें आगे तरह आइसोलेटेड गैसेस सर्कल को ना हो जैसे कि कौन कौन चाहे हीट ऑफ सब्लिमेशन अप्लाई कर चाहे नेक्स्ट गैसेस एटम का को आगे तरह आयनिक फॉर्म को ना हो चाहे तो मैंने गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर कर चाहे इसे मैं कौन दो चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट फ्लोरीन डाल चाहे फ्लोरीन का तरह मॉलिक्यूलर स्टेट रह चाहे तब तो मैं एटॉमिक स्टेट को आने बस दिखा कर बस हीट ऑफ डिसोसिएशन दबा फ्लोरीन का तो मैं हीट ऑफ डिसोसिएशन दे कर लेती पर को पता मेरे को कर चुका हाफ कर दीजिए तो हीट ऑफ डिसोसिएशन को आप एटी भी हाफ ले जीबो नेक्स्ट फ्लोरीन का क्या करेगा और आयनिक स्टेट को ना बात अभी क्या करेगा ये होते इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन कर जो एनर्जी रिलीज होगा तो मेरे को पहुंचे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पहुंचे लास्ट पार्ट में पोटेशियम फ्लोराइड फॉर्मेशन रे इला ऑपोजिट आयन तो 1 मोल रे पूरा कंपाउंड फॉर्मेशन करबे सेति किछ एनर्जी रिलीज होबो तो एटा हले हमर बॉल हैबर साइकिल तो एबे फार्मूला यूज करबा फार्मूला को किने हमर हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस हीट ऑफ डिसोसिएशन एंड हाफ कर छ तो हाफ हम लिख देबा प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन एबे हमको जहा जाय गिवन अछि पुट करबा जोडा गिवन नथि कोन नथि को सेटा कैलकुलेट करबा हीट ऑफ सब्लिमेशन हमको गिवन अछि केते अछि 87.8 प्लस हीट ऑफ डिसोसिएशन केते अछि 158.8 तो हाफ करबा एठी हमें प्लस आयनाइजेशन एनर्जी केते अछि 414.2 प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस टू लिख पा रहे से देखो माइनस 334.7 देन हमको लैटिस एनर्जी पचाय छी प्लस यू रखियो अननोन क्वांटिटी एपडे केते बसेबा हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस 560.5 ओके देन सबति को गोटा गोटा साइड कर देबा इटा गोटा साइड करले फाइनली हमें लैटिस एनर्जी रो वैल्यू पाइ जबा जोटा माइनस रे ही आसी ओके तो कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेशन सरला आंसर कैसे आसा माइनस 807.3 किलोजूल पर मोल आंसर टाइप नहीं होगा ओके तो
आमे समस्त बुझिले बॉन्ड हेबर साइकिल केमती ड्रॉ करिबा एंड सेथिरु केमती गोटे अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करबा। ऑलवेज एग्जाम रे हमको लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन पचैथिबो नले डेलएचएफ कैलकुलेशन पचैथिबो। एडा होचो हमरो फार्मूला, फार्मूला माना रखिबा ए टाइप रे आमे बॉन्ड हेबर साइकिल ने ड्रॉ करिबा देन सेथिरु आमे लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करि परिबा नले डेलएचएफ कैलकुलेट कर परिबा। जे कोनो सोटे अननोन क्वांटिटी थिबो ताके सब हमको नो एडा थिले अबाउट आवर बॉन्ड हेबर साइकिल। नेक्स्ट हमें देखिबा आयनिक कंपाउंड्स पोजेसिंग कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड रो कोवेलेंट कैरेक्टर को जानना। सपोज फॉर एग्जांपल हम कहबा एटी गोटे एटम अछि माने गोटे पॉजिटिव एटम एटा नेगेटिव एटम। नेगेटिव एटम रो आउटरमोस्ट कोन अछि इलेक्ट्रॉन अछि। दिस इज एनायन, दिस इज कैटायन। तो आमे आगु पढ़ी जे अपोजिटली चार्ज आयन दिले ताको भीतर अट्रैक्शन दिए। ठीक अछि सपोज दिस इज आवर कैटायन, दिस इज आवर एनायन। ओके तो कैटायन जत्ते पाखु को आसीबा एनायन रो, एनायन रो इलेक्ट्रॉन को हो अट्रैक्ट हो कैटायन रो बुझेल। तो मैंने स्ट्रक्चर में कौन हम एम पोलराइज हम इलेक्ट्रोन आड़े बुझेल। तो ये आम जो प्रोसेस देखुचे जो प्रोसेस इलेक्ट्रोन टा पोलराइज होटायन आड़ को पोलराइजेशन ऑफ एनायन। क्लियर तो कैटायन कौन करुचे को पोलराइज करुचे जी पावर और द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पोलराइज्ड एनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। लास्ट आसो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ए तीनटा को टर्म आम एक जानवा कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा बुझीबा आम जो एनए प्लस फर्मेसन करते सीएल माइनस फर्मेसन करके एनए प्लस सीएल माइनस फर्मेसन कौन देखिले सोडियम तार गोटे इलेक्ट्रोन क्या दौर क्लोरीन को दे दूसरी सोडियम टाक भितर बॉन्ड फर्मेसन होटा को कौन कहल आयनिक बॉन्ड कहल और जो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखुचे तो से बॉन्ड फर्मेसन होचे कोवेलेंट बॉन्ड फर्मेसन होट आम ये पढ़ले कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर बिटवीन टू चार्ज आयन हैविंग अपोजिटली चार्ज जेटा अपोजिटली चार्ज थी भितर बॉन्ड टा फॉर्मेशन होचे। ठीक है भाबीबा सोडियम जेतरे गोटे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस करके क्लोरीन को दे दउचे तो से कोन होचे एन प्लस होचे सीएल माइनस होचे से मतलब बॉन्डिंग करबा कथा ने। ओके तले सोडियम तर जो गोटे इलेक्ट्रॉन का से का को दउचे क्लोरीन को दउचे सो दैट टाक भितर गोटे बॉन्ड टा फॉर्मेशन होचे। दैट मींस जदी ना सोडियम आयन थीबो एडा को क्लोरीन थीबो एनए प्लस सीएल माइनस से माने बॉन्डिंग करले ए टाइप रो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करथाते त माने सोडियम रो अदर पोर्शन क्लोरीन रो अदर पोर्शन आउटर मोस्ट पॉइंट है इन जोटे कनेक्ट हे जाय। ओके जॉइंट हे जाय तो जोटे शेयरिंग हुए से को कैरेक्टर आसीबो कोवेलेंट बॉन्ड आसीबो। त एत्रो ए बुझी पाउ जे आयनिक कंपाउंड रे किछि किछि कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहउ छै से तीनटा जे तमे केमथि बुझिबा से प्रॉपर्टी को बाय यूजिंग दिस थ्री टर्म जहाँ तुम कौन बुझे फजान्स रूल। फजान्स रूल तो फजान्स रूल कौन बुझे दिस रूल एक्सप्लेन अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ओके जितु बला कि अपोजिटली चार्ज लाइन पाका पाकी रहिबे पॉजिटिव एंड कौन करबो नेगेटिव एंड को निजे को अट्रैक्ट करबो से जो पावर और ताकर जितनी कैपेसिटी अछि नेगेटिव एंड को निजे को अट्रैक्ट करबो त कोन कहबे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। देन एनायन को करछि पोलराइज होछि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रा कैटायन आड़ी के मूव करछि त कोन कहबे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ओके तो एथि हमर दुटा फैक्टर अछि कोटा कोटा फैक्टर अफेक्ट करछि कैटायन साइज जितने छोटो हबो से सेते अधिक पोलराइजिंग पावर कंटेन करबो जोटा एनायन को पोलराइज करबो। इन द सेंस कैटायन साइज छोटो होने से न्यूक्लियस से पक्का बाकी रहबो न्यूक्लियस
करिवो पोलराइज करिवो नेक्स्ट कोची साइज ऑफ एनायन एनायन का साइज जते बड़ा होबो एग्जांपल आमे जते सोडियम को चिंता करिबा सोडियम रो के सेल रे 2 इलेक्ट्रॉन अछि एल सेल रे 8 इलेक्ट्रॉन अछि एम सेल रे 1 इलेक्ट्रॉन थिला जोटा से फ्लोरीन को देला जदि मो सोडियम पर रे रुबिडियम को कंसीडर करिवि रुबिडियम रो साइज बहुत बड़ो थाए तो आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस टू का होबो बहुत दूर रे रहला सो दैट ए न्यूक्लियस और से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली कोन अट्रैक्ट कर परिबे नि किसी इलेक्ट्रॉन जाई परिबो ताले कैटायन रो साइज जते छोटो होबो एनायन रो साइज जते बड़ो होबो से इजीली कोन होबो इलेक्ट्रॉन दा सेते पोलराइज हे परिबो पॉजिटिव आयन आ ओके तो पोलराइजेशन होला माने ता भीतर म्यूचुअल शेयरिंग होउची म्यूचुअल शेयरिंग माने कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर शो करची हेंस एवरी एनायनिक कंपाउंड पोजेस कोवेलेंट कैरेक्टर एंड ऑपोजिट की जो कह परबा एवरी कोवेलेंट कंपाउंड पोजेस आयनिक कैरेक्टर त माने वर्ल्ड रे इति किछ भी कंपाउंड नाही जोटा कंप्लीटली आयनिक हेथिबो माने कंप्लीटली कोवेलेंट हेथिबो सेई प्रोसेस टा को और सेई थ्योरी टा को कि देखिले साइंटिस्ट फजान देखिले जा को मैं फजान्स रूल बोली कहू ओके नेक्स्ट हम जानबा व्हाट इज बॉन्ड पैरामीटर बॉन्ड पैरामीटर्स व्हाट आर द बॉन्ड पैरामीटर्स लिस्ट बनेगा फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ सेकंड इज बॉन्ड एंगल थर्ड बॉन्ड ऑर्डर फोर्थ बॉन्ड एनर्जी फिफ्थ बॉन्ड पोलैरिटी ओके तो बॉन्ड पैरामीटर को हम कौन बुझे हमें यदि सबडे के आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ए बॉन्ड से बॉन्ड सब पढ़ देले तले से बॉन्ड रो लेंथ केते रहउची जदि भी सोडियम क्लोराइड बॉन्ड करू छन तकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तर मैग्नीट्यूड केते रहउची को डायरेक्शन में केते रहउची केते एंगल करके सब कंपाउंड फॉर्मेशन करू छन सेटा हमर कोन बॉन्ड पैरामीटर सेटा को हमें ए फर्स्ट चैप्टर का अनु जान फर्स्ट हम कोन दिची बॉन्ड लेंथ का को हमें एटॉमिक रेडियस भी कहि परबा एग्जांपल माने तो हमको पचार जी सोडियम क्लोराइड रा बॉन्ड लेंथ केते एटा हम को बुझिबा सोडियम रो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस रो क्लोरीन रो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जति के डिस्टेंस रहउची त हम को कहबा बॉन्ड लेंथ बोली कहबा ओके द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ओके दीटा एटम रो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस रो डिस्टेंस जो रहउची दीटा को मझे त हम को कहबा बॉन्ड लेंथ बोली कहबा जदि डिस्टेंस से हमें आयनिक कंपाउंड रे मेजर करबा और गोटे आयनिक सब्सटेंस रे मेजर करबा त हम का कहबा आयनिक रेडी जदि कोवेलेंट कंपाउंड रे मेजर करबा त कहबा कोवेलेंट रेडी ओके नेक्स्ट इज ची बॉन्ड एंगल कोन बॉन्ड एंगल कोची एग्जांपल में वाटर नबा तो एठे हम देखु छे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड ता होची गोटे एंगल करके समान होची सेटा हम को कहले बॉन्ड एंगल इन द सेंस ये जो बॉन्ड अछि से माने एंगल करन दिने ऑक्सीजन रो जो ऑर्बिटल अछि पी ऑर्बिटल हाइड्रोजन रो एस ऑर्बिटल अछि से माने जति के एंगल करके बॉन्ड क्रिएट करन त हम का कहबा बॉन्ड एंगल बोली कहबा नेक्स्ट अछि ची बॉन्ड ऑर्डर व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर बिल हमें बुझिबा द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर बिटवीन टू एटम जेटा एटम भितरे जति किटा बॉन्ड फॉर्मेशन होबो त हम का कहबा बॉन्ड ऑर्डर एग्जांपल हाइड्रोजन को नउची आ भितरे गोटे बॉन्ड अछि त बॉन्ड ऑर्डर केते कि 1 जेते हम ऑक्सीजन नबा ऑक्सीजन सते दिटा बॉन्ड क्रिएट होउची तले बॉन्ड ऑर्डर केते होबो 2 सिमिलरली नाइट्रोजन को त देखिले बॉन्ड ऑर्डर केते होबो 3 होबो एठी हम गोटे कथा मन रखिबा जेते हमर बॉन्ड ऑर्डर बढी बढी जीवो स्टेबिलिटी सेते बढी बढी जीवो एंड बॉन्ड लेंथ सेते कम कम जीवो सपोज एग्जांपल ए फॉर्म टा सोडियम अछि एटा क्लोरीन अछि माने कर ओके तो ए फॉर्म रो डिस्टेंस देखो एटा बहुत अधिक अछि हम तो सिंगल बॉन्ड माने करै छी तो सिंगल बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक करि परिबा से त स्टेबल नै जदि म आ टिकि अधिक बॉन्डिंग करबे लेंथ रा कमी गेला त माने बॉन्ड ऑर्डर टा टिकि बढी थिसो डबल बॉन्ड हेतिबो ट्रिपल बॉन्ड केस रे पूरा ए सिचुएशन थाय त माने एठी हमर को होछि बॉन्ड रो लेंथ रा कमी कमी जाउछि बट नंबर ऑफ बॉन्ड बढी बढी जाउछि जिते नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़िबो कंपाउंड स्ट्रेंथ कौन हम स्टेबल हम ओके नेक्स्ट होची बॉन्ड एनर्जी को होची गोटे बॉन्ड को ब्रेक करिया पई जति का अमाउंट ऑफ एनर्जी दक
अच्छी सब्सटेंस अच्छी कि एटम अच्छी हमें से बॉन्ड टा को ब्रेक करि परबा काई कि कहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निजो इलेक्ट्रॉन को निजो आड़ नै जइबो बाकी टा को पॉजिटिव हेइ जइबो हेंस पोलैरिटी डेवलप कला तो एटा तमे कहबा पोलर कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोटा माने कि हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन रखु छी तो ए नाइट्रोजन का होछ तीन टा इलेक्ट्रॉन ए नाइट्रोजन से शेयर होछ ए नाइट्रोजन तीन टा इलेक्ट्रॉन ए नाइट्रोजन से शेयर होछ तो शेयरिंग तर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का हमरो क्रिएट हेइ छी बॉन्ड टा क्रिएट हेइ छी बॉन्ड का ब्रेक करे को चाहबा गोटे स्टेबल हेले गोटे अनस्टेबल हे जइबो तो एटा तो मेजर रिप्लेस करि परबे ना कहले दि जणो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम अछि तले एथि जो बॉन्ड से कोन कहबा नॉन पोलर बॉन्ड तले बॉन्ड पोलैरिटी कहले हम पोलर आ नॉन पोलर टा को बुझु ओके एटा तमरो बॉन्ड पैरामीटर ऊपर थिला नेक्स्ट क्लास रे हमें नेक्स्ट बॉन्ड दैट इज कोवलेंट बॉन्ड से रे डिस्कस करब कोवलेंट